भक्त पर मांगे सबकी खैर, सड़क पीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ देवघर आने का तो बिल्कुल स्पेशल मतलब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, भवानी ऊपर विराजमान है, जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को मैं शुरू करूंगा। मैं जानना चाह रहा था, जय श्री राम, जोहार, जय झारखंड तो सब ठीक है, लेकिन जय भैया जी कौन नारा लगा रहा था ये बताओ? हैं? ये लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? जय भैया जी। क्या नाम है आपका? गौतम राय। अरे गौतम जी खड़े हो, अरे खड़े हो जाइए। गौतम भैया क्या काम करते हैं? बिजनेस करते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मतलब बाकी समय क्या करते हैं फिर? मतलब बाकी समय पॉलिटिक्स करते हैं। समझ तो हम गए थे। तो ये चस्का कब से है पॉलिटिक्स वाला? बहुत दिन से है। मतलब कितना समय हो गया? समय हमारे घर में सब कोई पॉलिटिक्स ही करते रहे। पॉलिटिक्स ही करते रहे और हम भी शुरू कर दिए हैं। कैसा कई उम्र जब थी तब से शुरू किया? क्या आज से 5 साल पहले? 5 साल पहले शुरू कर दिया पॉलिटिक्स। तो और धंधा बिजनेस? बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस अच्छा चल रहा है कि पॉलिटिक्स अच्छी चल रही है? बिजनेस। मेरा नाम खुबलाल यादव है। खुबलाल यादव, बहुत बहुत स्वागत है खुबलाल यादव जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम क्या बोलें सर? क्यों बोलो? बोल रहा हूँ ना। हाँ। बोल रहा हूँ ना। हाँ। अब बोलो, बिल्कुल बेधड़क बोलो। हम पहले राजनीति करते थे। अरे अंदर आओ, अंदर आओ। अरे बबलू मिल गए हमको, यहाँ आओ, तुम आओ, यहाँ आओ। पहले जो क्या नाम था आपका? नाम खुबलाल यादव। खुबलाल यादव ऐसे ही थे, बाद में ने छोड़ दिए राजनीति, वैसे हो गए। काहे चक्कर में पड़े हो? ठीक ठाक। हाँ हाँ पूरा। हाँ। तो राजनीति में यही देखे सर, झूठ बड़ी बोलना पड़ता है, बड़ी झूठ बोलवाता है। झूठा कहीं के, एक नंबर का झूठा। राजनीति में जितने भी हैं, हम यही देखे सर, इतना झूठ बोलवाता, हमारा अध्यात्म खत्म हो जाता झूठ के चलते। इसलिए हम आध्यात्मिक हैं, इसलिए हम छोड़ दिए राजनीति। राजनीति छोड़ दिए? बड़ी बेवफा है। क्या नाम है आपका? गौतम राय। गौतम जी अभी आपकी आंखें खुलने में अभी 3-4 साल लगेगा। जब आपका आंखें खुलेगा तब यही हो जाएगा मामला। ठीक है, आप उधर भी राजिए, आप गणेश जी उधर भी जा रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, राजनीति का खेल यही है। एक जना तो निवृत्त हो गया राजनीति से, अब आध्यात्म की दुनिया में चला गया है, और एक जो है अभी अभी 5 साल पहले कदम रखे हैं। तो मैं आपका तारुफ करा दूं, बीजेपी से रीता चौरसिया जी आज यहां पे पक्ष रखेंगे बीजेपी का, कांग्रेस से अवधेश प्रजापति जी आज यहां पे कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश भाई जी, और झारखंड मुक्त मोर्चा से सरोज जी यहां पे पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सबसे पहला 40 सेकेंड झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहां से मैं देता हूं। कांग्रेस का यहां से एक्चुअली मैं प्रत्याशी है, लेकिन मैं यहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा को 40 सेकेंड पहले देता हूं कि वो जो बात कहना चाहें वो अपनी बात कहें, उसके बाद शो ओपन। जी जी, हम कहना चाहेंगे कि विकास की पहली कड़ी गांव ग्राम सुदूर देहात से शुरू होता है, जहां कि आज भी नंगे भूखे लोग पाए जाते थे। हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री ने उन गांव ग्राम के गरीब आदिवासियों दलित पीड़ित को देखा, और जो एक पेंशन के लिए
पूर्व की सरकार डबल इंजन की सरकार में हम लोग ब्लॉक का 16-16 जोड़ा चप्पल बर्बाद कर देते हैं, उनको आम कर दिया। आज हमारे यहाँ एक भी 60 वर्ष की उम्र का लोग नहीं है जो कि योग्य है और पेंशन नहीं मिल रहा। दूसरी बात यह है कि जब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने देखा कि 50 वर्ष के जो योग्य महिलाएं हैं और दलित आदिवासी से लोग बिलोंग करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति जर्जर है क्योंकि पूर्व की डबल इंजन की सरकार और 18 साल में यह भारतीय जनता पार्टी के लोग ने सिर्फ झारखंड के जल और जंगल जमीन को लूटा, इन्होंने विकास कुछ नहीं किया। जो निरंतर विकास चल रही थी उसी पर सिर्फ मोहर लगाया कि हमने किया हमने किया। सवाल है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता के सामने, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी किस आरोप में जेल में बंद है और उनको कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रही है? बस इतना ही पूछा, जवाब दे दे। झारखंड मुक्त मोर्चा के जो के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में हैं और उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है, हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है कि हाई कोर्ट उनकी बात सुने, लेकिन ठीक है, आप अपना बात अभी कहना चाहेंगे तुरंत जी। आज तक भारत के इतिहास में हम लोगों ने पहली बार देखा किसी मुख्यमंत्री को, आसीन मुख्यमंत्री को जबरदस्ती ईडी इस्तीफा दिला के गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लगता है जिसका कि केस को देखते हैं सब डिविजनल ऑफिसर और सब जज। ये मामला सब डिविजनल ऑफिसर और एसडीओ का था। हमारे यहाँ चूंकि डीसी नहीं डीएम होते हैं क्योंकि जमीन का मुकदमा देखने के लिए, क्योंकि यहाँ के जमीन पर एक विशेष तरह का नियम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लगा हुआ है। ऐसा कहीं नहीं होता है, जमीन का मामला दीवानी मामला होता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार डर गई थी। आपका नाम हो गया विजय दास जी। विजय दास जी 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 जी, अरे बोलिए जी जी, क्या कहना है? कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने झारखंड को खोखला बना दिया था, लेकिन हमारे हेमंत सोरेन की सरकार ने, जो पूर्व अभी प्रेजेंट में जो सरकार है, उस सरकार ने गरीब गुरुआ और नीचे तबके के लोगों को जगाने का काम किया है और विकास की गंगा बहाया है। जी अभी अभी वो दास जी बतला रहे थे खोखला। हाँ। इस झारखंड को जन्म देने वाला कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, वही लालू यादव है, वही लालू यादव है जो कहता था हम अलग नहीं होने देंगे झारखंड को, बिहार से अपने कलेजे पर भी पार होके दिखा दो। लेकिन अटल बिहारी सरकार ने इस राज्य को अलग किया और इस राज्य को जन्म दिया और इस राज्य को जवानी पीढ़ी पर लाया। आज ये जो सरकार बैठी है निकम्मी सरकार है, ये लूट खसोट करने वाली सरकार है। अरे पंडित जी, जब दिल्ली, अरे दिल्ली में आंदोलन होती है किसानों की, तथा कथित किसानों की, यहाँ के हमारे नेता जाते हैं वहाँ शो कराने, फोटो खिंचवाने, हम किसान के साथ है। ये किसान मर रहा है, मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मोदी जी का देन है, मैं पति पत्नी हूँ, 1000 मुझे वेतन मिलती है, 1000 मेरी बीवी को मिलती है, 2000 और 6000 किसान का मिलता है निधि, तो 24 और 6 30 हजार घर में बैठे मोदी सरकार देती है। जीएमएम से संगठन मंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जी बोलिए बोलिए बोलिए। कि जब से यहाँ झारखंड अलग हुआ है और जब से ये राज मिला गया है, जब से 10 बरस हो गया, एक आवास नहीं मिला, नहीं एक तक पानी गांव में है, एक पानी का नल के लिए 50 बार बीआईटी में दरखास्त दिए हैं, वो अभी तक नल जल चालू नहीं हुआ है। तो ये दोष किसका है? ये दोष है हमारे केंद्रीय सरकार, जो यहाँ की गोड्डा का संसद है, उसका घर तक यहाँ बीएड कॉलेज में घर बनाया है, उसका दरवाजा खटखटाए, लेकिन बोला वो पानी का नल का काम हम नहीं करते हैं। वो क्या बोले? पानी और नल और जल का काम हम नहीं करते हैं, और हमारे गांव में पानी का चलते बेकाल है, एक इंदिरा आवास से 500 विधवा औरत है, 1 टका पेंशन नहीं चालू किया, नहीं एक आवास मिला है, एक आवास नहीं मिला, उसका इतनी इतनी बच्चा है जो सारा मजूरा नहीं को कम आता है। जी पानी
मैं आ रहा हूँ आराम से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों की जो बात अभी बोला गया कि पेंशन नहीं मिलता, अभी ये कह रहे थे सबको पेंशन मिलता है, इनसे सवाल किया जाए कि उनका जवाब अपने नेता को ही दे, तभी हम लोग चुप रहेंगे। आप जवाब दीजिए अपने नेता को, आपसे अनुरोध क्यों नहीं मिल रहा है? आपसे स्वर्णनगर जेल गए हैं, गरीबों को पेंशन खाया है। क्या नाम है आपका? इसलिए जेल गया है। क्या नाम? पंकज भदौरिया। आराम से बोल लेते हैं थोड़ा, ये घर पे भी ऐसे ही हल्ला मचाते हैं। हल्ला नहीं तो आप आते तो आते। अब आप बोलेंगे, देखिए नंबर उनका बाद ही में आएगा, आपके कहने से नहीं आएगा भदौरिया जी। और सिफारसी और फरमाइशी प्रोग्राम करता नहीं हूँ मैं, चुपचाप बैठिए जी। अगले 40 सेकंड कांग्रेस के। पहले तो सभी यहाँ उपस्थित जन, अरे रुको भाई, जनता जनार्दन शुरू में ही हाथ उठाकर हाथ छाप को समर्थन किया, इसके लिए सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबके अपने अपने मंतव्य हैं, चले हाथ उठाया तो कांग्रेस हो गया। अच्छा। लेकिन आज जो 2024 का चुनाव है भाई, सुनिए, अगर आप सुनेंगे नहीं तो जवाब आप दे नहीं पाएंगे जी। यहाँ के देश के युवा बेरोजगारी पर दे रहे हैं वोट, महंगाई पर वोट दे रहे हैं, किसान लोग अपने खेती के लिए दे रहे हैं वोट, उद्योगपतियों को जिस तरह से कर्जा को माफ किया गया और देश में महंगाई बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ा है, छोटे दुकानदार मर रहे हैं, उसको देखते हुए लोग वोट कर रहे हैं और 2024 में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी का 2024 में सफाया होगा देश से, सफाया। रुको नारद मुनि, आप देखते होंगे कुर्सी बेचने वाला आता है गली गली में। भदौरिया साहब, 10 साल नहीं पूछूंगा आपसे, 10 साल नहीं पूछूंगा। ये इनके नेता बोलते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी खटाखट 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 बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ये कैसे होगा जरा ये जानना चाहते हैं। अंदर रहो, देखिए भदौरिया जी नंबर नहीं आया, इनका आ गया नंबर। क्या क्या सवाल है आपका? इनके नेता किनके नेता? राहुल जी। हाँ, राहुल जी कहते हैं देश में हमारी सरकार आई तो यहाँ से बेरोजगारी खटाखट 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 खत्म कर दी। खटाखट खटाखट खटाखट। क्या नाम है आपका? जरा जानना चाहते हैं कैसे होगा। बबलू दुबे। बबलू दुबे, बबलू दुबे जी बोलते हैं खटाखट खटाखट खटाखट, कैसे होगा खटाखट खटाखट? खटाखट इसलिए होगा कि देश के जनता, चाहे वो रिक्शा चालक हो, ठेला चालक हो, रेहड़ी चालक हो, आम आदमी जो 1 रुपया का छोटा सा तेल भी खरीदता है वो अभी GST देता है, वो अभी टैक्स देता है। अगले 40 सेकंड बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी की प्रवक्ता 40 सेकंड। भदौरिया जी पकड़ के बैठिए कुर्सी। अवधेश भाई, एक मिनट सुनो यार, ऐसे नहीं। हाँ जी अवधेश भाई और सरोज भाई ने जो कहा कि यहाँ विकास नहीं हुआ, मेरे सांसद ने जल थल वायु तीनों में विकास किया है। जल लाए पुनासी से, कोट से लड़के पुनासी जल यहाँ लाए हैं, और थल का पूरा जाल बिछा दिया NH का, और वायु में आप देखे हैं हमारा एयरपोर्ट बन गया और हर जगह हमारा विकास हो गया। हमारे गोड्डा के लोग रेलवे नहीं देखे थे, ट्रेन नहीं देखे थे, वो ट्रेन हमारे सांसद ने कहा, विपक्ष के लोगों ने कहा कि अगर सिटी बज गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वहाँ सिटी पर सिटी बजे जा रहा है, उतना ट्रेन जो हो गया। और देवघर की जनता विकास पर हम लोग जाते हैं क्षेत्र में, वहाँ महिलाएं कहती है अरे हमारा तो आवास मिल लो, हमारा शौचालय मिल गए लो, हम तो मुस्लिम सभी जाति की महिलाएं हमसे ज्यादा बोलती है और वो वोट देने के लिए तैयार है। सांसद फंड सांसद जी क्या करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं? कौन मैडम बताएंगी? सांसद जी आज 10 साल से हैं, सांसद फंड अपना वो कहाँ खर्च करते हैं? बहुत सही सवाल खोज के लाए गुरु जी तुम। उनको गली नली रोड बनाने के लिए बोलिए, कहीं हम विश्वास। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। क्या नाम है आपका? रोशन सिंह। रोशन जी ने एक सवाल पूछा कि सांसद जी, निशिकांत दुबे यहाँ के सांसद हैं, वो अपना सांसद फंड कहाँ खर्च करते हैं ये जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं एक टीचर हूँ। हाँ, मैं आराम से, आराम से। अरे भाई आ गया, अरे महाराज
अरे अरे पूजा करने जाएंगे वहाँ खर्च हो रहा है, वहाँ खर्च हो रहा है, कोई पंडा का मकान नहीं टूटेगा वहाँ खर्च हो रहा है। जानते हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं लोग कि सब जगह चोरीकरण होगा, कहीं चोरीकरण नहीं होगा। झारखंड का सारा पैसा लूटकर हेमंत सोरेन खा गए और निशिकांत दुबे हमारे सब मदद कर रहे हैं। पंडा को क्या मरण था हम लोग जानते हैं, फुरकान अंसारी एक तो ईटा नहीं लगाई थी, सब जगह हम लोगों का पानी के लिए चोरी, हम लोगों के लिए पानी नहीं था, पानी के लिए 100 बार प्रदीप यादव का पैर पकड़े कि पानी दीजिए हजू, पानी नहीं मिलता था, क्या बोलता है पानी नहीं मिलता था पंडा समाज में, ये शिकायत दुबे पानी दिए, हम लोग पानी पी रहे हैं उनके उनके देन से। अंदर आइए महाराज जी। मैडम आइए इधर आइए। हर घर में पानी देते हैं वो, और मानसरोवर तट में 100 करोड़ वो लाए हैं बनाने के लिए यात्री, वहाँ पर सुविधा पंखा बिजली पानी सब। क्या बात है, आपका जो मॉड्यूलेशन है ना वॉइस का गजब का है, अभी तो लग रहा जिसे हमें लग रहा है अभी आंख से एकदम गिरा जी। रोका कैसे पता नहीं मालूम हमें, रोका आपने और संतुलित होके जैसे ही बॉल एकदम एकदम पिच पे आई एकदम खट से मारा पंडित जी ने। पानी के लिए हम लोग हजूर मर रहे थे, हाँ। सबको हम लोग पानी मंदिर से हाथ में ढो ढो के ले जाते थे, हाँ। साइकिल से ले जाते थे, हाँ। पानी के लिए प्रदीप यादव जी को बोले कि हजूर पानी हमको दिया जाए तो कहाँ बोरिंग होगा, कहा हम लोग मधेबा तरी से हम लोगों को बोरिंग कराया जाए, डीप बोरिंग निशिकांत दुबे जी कराए, वो हम लोगों का पानी सप्लाई कराए। समस्या दूर हो गया देवघर में, बोलने से होगा कहीं समस्या दूर नहीं हुआ। सांसद फंड कृष्णापुरी में आपको कृष्णापुरी सारा वोट देता है सांसद को निशिकांत दुबे जी को, और रोड बनाने के लिए वहाँ पर प्रदीप यादव जी रोड बनाए 10 साल पहले, अभी रोड बनाने के लिए गया आदमी तो कहे कि हम रोड नली गली में सांसद फंड नहीं देते हैं। पुरासी वो लोग रोके हैं, लालटेन लालटेन पुरासी रोके हैं, हाँ लालटेन। महाराज आप भी बैठिए, गजब है, पानी की लड़ाई है, पानी की लड़ाई जी। क्या नाम है आपका? निरंजन राणा। निरंजन राणा, निरंजन राणा जी क्या काम करते हैं आप? मैं पेशे से कारपेंटर हूँ। पेशे से कारपेंटर, कारपेंटर हैं तो आप अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे अंदर जी। आइए जी, नमस्ते, कैसे हैं आज? मजदूरी कैसी रही? अच्छी रही, शुरू से अच्छी, आज भी अच्छी है। हाँ जी हाँ। तो आज कितना दिहाड़ी कमाई आपने? वो सब जानने का कोई औचित्य नहीं है। क्यों नहीं है? एक मजदूर आदमी से ये पूछा नहीं जा सकता एक सवाल, जब बहुत सारे लोग जाति की गणना करा सकते हैं तो हम ये भी नहीं पूछ सकते कि आपकी याद दिहाड़ी कितनी? अच्छा बनना बताइए, आदमी से पर्स और महिला से उम्र नहीं पूछी जाती, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। आगे चार कदम चल के आइए। गुरु जी नमस्ते, विश्वकर्मा जी बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ भाजपा वालों से, भाजपा वालों से, कोई भी भ्रष्टाचारी नेता अगर भाजपा में जाता है तो उस पर जांच क्यों रुक जाता है? वो भाजपा में शामिल होते ही जांच क्यों रुक जाता है? चाहे वो कोई लीडर हो, कोई भी लीडर हो, चाहे वो कोई किसी दल का हो, भाजपा में जाते ही उस पर जांच रुक जाता है जी। हाँ हाँ हाँ, मैं आराम से। हाँ जी बाबू जी नमस्ते, हमको एक मिनट का फुर्सत दिया जाए। एक नहीं डेढ़ मिनट देंगे आपको जी, अंदर आएंगे। हाँ हाँ सर, देखिए हम कांग्रेस को, भाई देखिए चुपचाप सुनिए, कांग्रेस को वोट देते आए हैं और पूरा पगला गए हैं, क्या एकदम पगला गए हैं पूरा, और हम कांग्रेस के तरफ से हम कुछ बोल रहे हैं। बोलिए। हमारा आजादी जब मिला 1947 में तो इंग्लिश राज था, तो ई को डॉट कीजिए तो इंग्लिश हो गया, आ गया एन इंग, इनको एन को डॉट कीजिए तो नेहरू जी आ गए, ई एन जी, जी को डॉट कीजिए तो गुलजारीलाल नंदा आ गए, ई एन जी एल, एल को डॉट कीजिए तो लाल बहादुर शास्त्री आ गए, आई आई को डॉट कीजिए तो इंदिरा गांधी आ गए, बच गया एस, हम लखनऊ में थे, संजय गांधी प्लेन एक्सीडेंट गया, एक कटअप हो गया, आ गया एच, एच एच मीन्स हेरिडिटी, यू आर माय हेरिडिटी, इसी का वंशज अब जो है कांग्रेस का,
आने वाला है, बंसज आने वाला है कांग्रेस का, आने वाला है, आने वाला है, आभास हो रहा है, हमारा आभास हो रहा है, लग रहा है, लग रहा है, आ रहा है, आ रहा है, चल चुका है। हम वोट देंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन हम कांग्रेस हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। नेता है तैयार, यह जनता भी तैयार, अच्छी नेता है तैयार, यह जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल, अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सेकंड राउंड शुरू करता हूं और देवघर में मौजूद हूं, बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। वो लोग जो नहीं बोले उनको मौका, वो पहले बोलेंगे और बाकी तो जी आप नहीं बोले जी। नमस्ते, क्या नाम है साहब आपका? इंद्रकांत कुंवर। इंद्रकांत कुंवर, जनता के साथ साथ नेता को भी चांस है, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। जी बोलिए। मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि जी से एक सवाल है रोजगार पर, ये आप बतावें कि कब से रोजगार यानी नियुक्ति प्रक्रिया बंद हुई है झारखंड में और क्यों हुई है, और पेपर लीक की समस्या भी कैसे दूर हो। देखिए, पेपर लीक की समस्या मैंने आपसे हर बार कहा, प्रदेश बदले हैं, सवाल वही रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और अब झारखंड, हर जगह पेपर लीक। नियुक्तियां क्यों बंद हुई वो ये सवाल पूछते हैं आपसे। पूर्व की सरकार में जो नियुक्तियां बंद हुई थी जेपीएससी की, वो सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, हम लोगों ने लगातार जो है नियुक्तियां जारी रखा है। कुछ तो राज्यपाल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसको जो है यश नहीं मिले ये नियुक्ति का, और हम लोग लगातार नियुक्ति कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन बीजेपी वाले रोकते हैं जी। राज्य भवन जो है तो हमारे नियुक्ति पर ब्रेक लगाता है। यश ना मिले, यश की बड़ी चिंता है जी। हाँ, अरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकृति कुमारी। आकृति कुमारी, अंदर आओ आकृति, आइए 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 आकृति आइए। क्या कर रही हैं आप? जी मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। तो अभी जेएमएम के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि जेपीएससी को उन्होंने कंडक्ट कराया, ठीक है। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देती हूँ। तो जेपीएससी पूछिए कि कितने सीट का निकलता है और कितने सालों में, क्या ये हर साल निकलता है? मुझे बताइए कितना निकलता है। लास्ट निकला था 252 सीट्स का जी, ठीक है। हाँ। और इस ईयर निकला 386 का, 386। ये तीन साल का गैप का, दो साल के गैप का बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और एक भी वैकेंसी बता दें जो इन्होंने क्लियर कराया है। एक भी वैकेंसी आप उसका नाम बताएं। अभी अभी एक क्लियर हो रहा है, उसमें है एक पीजीटी जिसको अभी ज्वाइनिंग अभी नहीं मिला है, ठीक है। आ रहा हूं। अरे आ रहे हैं, खड़ी है सरकार। जब से आई है उन्हें सब बच्चे खतियान के आधार पर आरक्षण देंगे, ये यही इनका मुद्दा शुरू से रहा है। किनका? हेमंत सोरेन का। अरे रुको। हाँ तो सर, इसके बाद मैं बोलना चाहती हूँ, अभी नियुक्ति पत्र मिल रहा है उन स्टूडेंट्स को जो 2016 में टीचर्स के वैकेंसी में थे। 2016, ठीक है। इतने साल का गैप, अभी तक एक बार भी जेटेट नहीं हुआ है, लास्ट 2016 में हुआ। युवाओं का ये जो सवाल है नौकरी और लीक का मुद्दा, पेपर लीक और नौकरी और नियुक्ति का, ये सर्वोपरि है, सबसे बड़ा होने वाला है। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं मिला जहां ये लोगों ने, युवाओं ने सवाल ना पूछा हो। हर वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है, और ऐसी नीति बनाते ही क्यों है, वो कोर्ट में जाके फंस जाती है। आप ऐसे ऑफिसर को रखे ही क्यों है जो ऐसी गलत नीति बनाती है और उस पर केस हो जाता है और वो जाके फंस जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जो ये बेरोजगारी और नौकरी की बातें करते हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने, जो खुद मुख्यमंत्री थे और खान मंत्री भी थे, खुद ठान ले लेते थे अपने,
और अपना ही आदमी को सब दे देते थे, कहाँ से रोजगार मिलेगा बोलिए। सुनिए भैया, एक मिनट, येदियुरप्पा और जनार्दन रेड्डी क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं जो कि हमको लगता है लाखों करोड़ रुपया का खनन घोटाला किए हैं साउथ में, वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से नहीं थे। सर पहले तो मैं अपने झारखंड रोड देखूंगी तब ना उधर देखूंगी। सुनिए भैया, भारतीय जनता पार्टी भारत लेवल की पार्टी है, पूरे भारत में इसको देखना है। भैया अभी देखिए बगल में आपका नगर निगम नजर आ रहा है, 5 साल हो रहे जा रहा है, अभी वो चुनाव नहीं करा रहे हैं, बार बार कहते हैं कौन एक्ट कौन कानून लगाते हैं हेमंत सोरेन ने और जेएमएम। जी ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लोगों को लाके यहाँ जो है माननीय उच्च न्यायालय में PIL फाइल करते हैं और ये जो सारा चुनाव है सारी वैकेंसियां हैं इसको रुकवा रही है। उसके बाद इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारा शहर हमारा राज्य पीछे जा रहा है। जी बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है और जब हेमंत सोरेन जी काम करने के लिए रनवे पर उतरे तो एक साजिश के तहत ईडी के द्वारा उनको गिरफ्तार करा लिया। ईडी भाजपा का ईडी नहीं है और वो उसका जो डिसीजन होता है वो कोर्ट से होता है, कोर्ट भाजपा का नहीं है और कोर्ट के द्वारा। जी तो फिर एकनाथ शिंदे के बारे बताइए, हेमंत विश्व शर्मा के बारे बताइए, सुरेंद्र वो अधिकारी के बारे बताइए कि ये लोग कैसे जो है क्लीन चीट हो गए जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल। इतना बड़ा बिल्डिंग नगर निगम का मेयर नहीं है। ये बात हमारी जनता बोल रही है, हमारी जनता बोल रही है हमारा मेयर नहीं है। देखिए जब भी चुनाव का घोषणा होता है, जब भी नगर निगम का चुनाव की घोषणा हमारे जेएमएम और महागठबंधन की सरकार करती है, क्यों ही बीजेपी वाला एक साजिश के तहत कोर्ट में PLI दाखिल करता है ताकि रुक जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बीजेपी का सरकार नहीं चाहती है कि देश में किसी भी युवाओं को रोजगार मिले। जी भदौरिया जी नंबर आ गया। पहले सर हेमंत सोरेन की सरकार जो है वह नगर निगम का चुनाव अगर चाहती तो आज कब के हो गया होता। कोर्ट ने इनको कहा कि चुनाव कराइए, 15 दिनों के अंदर चुनाव की डेट की घोषणा कीजिए, इन्होंने नहीं किया। और इन्होंने बार बार आज 4 साल हो गया है और यह इसलिए नहीं करा रहे हैं कि नगर निगम का सारा कमीशन 50% कमीशन जेएमएम के खाते। बैठो, अरे बैठो गोवा। जी इधर 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 आओ, यहाँ यहाँ जल्दी जल्दी आओ, पास आओ पास आओ पास आओ पास जल्दी आओ। हाँ हाँ, क्या नाम है? जिया गुप्ता। जिया गुप्ता, जिया क्या कर रही हैं आप? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। क्लास 10 दसवीं की छात्रा हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ रहती है? आसपास कहीं रहती है? लोग नहीं, बिलासी। बिलासी यहाँ से दूर है? बहुत दूर है। यहाँ से बहुत दूर, तो इधर से निकल रही थी? नहीं नहीं, मेरे डैड का बिजनेस है तो ही वॉज टेलिंग दैट यू आर कमिंग एंड यू आर आई वॉन्ट टू सी योर डिबेट। चलो अंदर आओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। और एक दसवीं की छात्रा है, 10th स्टैंडर्ड की। फादर ने कहा, फादर बिजनेस करते हैं, फादर ने कहा कि एक शो हो रहा है वो भैया जी वाला, बोले मुझे शो देखना था तो मैं आ गई। कैसा लगा शो? बहुत अच्छा। एंड योर डिबेट वर्ड, आई वाज लिटरली थिंकिंग दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। एंड यू हैव केम इन देवगढ़ झारखंड टू डू दिस डिबेट, दिस अपॉर्चुनिटी। मैं मेरा बहुत सीधा सा नियम है, बहुत सीधा सा फंडा है कि मैं रांची में शो करूं या ना करूं इसमें 10% चांस रहते हैं, लखनऊ में करूं ना करूं 10%, पटना में सिर्फ 10%, मुंबई में 10%, लेकिन देवघर में 99% रहता है, खगड़िया में 100% रहता है, अररिया में 100% रहता है। इसलिए ज्यादा रहता है कि करूंगा ही करूंगा, जहां आप ना सोचें कि जाएंगे हम वहीं जाएंगे, यही होना चाहिए दास बाबू। अरे पटना में मुंबई में तो सब अररा के खटा खट गिर रहा है, वहां तो खटा खट गिर रहा है, यहां नहीं आ रहा है तो यहीं आना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ एक चीज, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन देखना चाहते थे कि तुमने डिबेट देखी? यस। थोड़ी देर देखी? हाँ। अच्छी लगी? बहुत। वो अच्छा, चलो वो तो कोई सवाल ही नहीं हुआ कि अच्छी लगी या नहीं लगी, सवाल ये हुआ कि तुम्हें सबसे अच्छी बात किसकी लगी? मुझे सबसे अच्छी बात लगी क्या, वो वाले अंकल ने जो बोला था। हाँ।
उनकी बात तो ठीक थी बट इट लॉजिकल वाली बात नहीं, जो मतलब पैसे बांट दो। हाँ पैसे बांट दो तब तो आई मीन क्या किसी को कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। लोग यूपीएससी झूठ का कर रहे हैं, आई मीन मेहनत कर करके कोटा में जो लोग बहुत सारे स्टूडेंट रिग्रेट फीलिंग से सुसाइड कर लिए। एक मिनट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से तैयारियों के लिए जाते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। तो वो सेंटेंस बोलो फिर से। यस, तो वो वाले स्टूडेंट लोग ने इतने रिग्रेशन और डिप्रेशन की वजह से ना, क्योंकि वो लोग चार पांच साल के मेहनत से वो लोग सुसाइड कर लिए। सो व्हाट यू मीन बाय एजुकेशन? एजुकेशन ऐसा चीज है जो लोग करने के लिए अचीव करने के लिए अपने जान तक दे सकते हैं भाई। तो व्हाट्स द मीनिंग? क्या 30 करोड़ या 40 करोड़ बांट दे सब में? मैं समझ गया कि ये देवघर है। एक जने हैं जो खटाखट बांटेदार हैं पैसा, और जो हमारी भविष्य है, जो हमारी रोशनी है, जो दूर तलक देखती है, वो ये कहती है कि एजुकेशन पाने के लिए तो लोग अपनी जीवन तक दांव पे लगा देते हैं। तो वो उसको जब पाया या उसकी जो खूबियां हैं जब उसको अप्लाई करने का समय आया तो मुफ्त में क्या रेवड़ियां ले लें? क्या हमारे हाथ कट गए हैं या पैर में छाले निकल आए हैं? अरे अरे, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जिसपे अपने बाहु खड़े रहो चुपचाप, जिसको अपने बाहुबल पे भरोसा है। तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अभी बस सिर्फ इतना। भैया जी करिन में जनता करती मन की बात।